नमस्कार। आज हम बात करेंगे बिहार के उस परिवार की जहां दो पूर्व मुख्यमंत्री और दो पूर्व मंत्री रहते हैं। राजनीति में परिवारवाद या वंशवाद को लेकर चर्चाएं बहुत सारी होती रहती हैं। इसके पक्ष और विपक्ष में तर्क भी ढेर सारे दिए जाते हैं, लेकिन कठोर सत्य यही है कि आज की तारीख में भारत का कोई भी राजनीतिक दल परिवारवाद से अछूता नहीं है। हालांकि ज्यादातर आलोचना सिर्फ नेहरू गांधी परिवार की ही होती है, पर वास्तविकता में परिवारवाद तो हर राजनीतिक दल में कम या ज्यादा मौजूद जरूर है। बिहार में भी कई राजनीतिक घराने मौजूद हैं। इनमें से कई आज भी प्रासंगिक हैं, तो कोई बदलते वक्त के साथ अप्रासंगिक भी होते जा रहे हैं। इन परिवारों में पूर्व उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम का परिवार, बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिंह का परिवार, पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा प्रसाद राय, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र और भागवत झा आजाद का परिवार भी शामिल है। ये सभी लोग बिहार की राजनीति में सक्रिय हैं, लेकिन पारिवारिक पृष्ठभूमि के नजरिए से देखें तो राज्य की राजनीति में आज भी सबसे ज्यादा कोई राजनीतिक परिवार महत्वपूर्ण है, तो वह है पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का परिवार। पटना के चपरासी क्वार्टर से बिहार के मुख्यमंत्री तक का सफर तय करने वाले लालू प्रसाद यादव 5 साल तक देश के रेल मंत्री भी रहे हैं। संभवतः लालू प्रसाद यादव बिहार के इकलौते ऐसे नेता होंगे जिन्होंने देश दुनिया में अपना नाम कमाया। आज जबकि लालू प्रसाद यादव जेल में अपना वक्त गुजार रहे हैं, कोर्ट ने चुनाव लड़ने पर रोक लगा दिया है, लंबे वक्त से सक्रिय सियासी दुनिया से दूर है। बावजूद इसके ऐसा कोई भी दिन नहीं होता जब बिहार के अखबारों में लालू प्रसाद यादव की चर्चा नहीं होती। लालू प्रसाद यादव बिहार का इकलौता ऐसा राजनीतिक घराना है जहां दो पूर्व सीएम एक साथ मौजूद हैं। लालू प्रसाद यादव जो खुद 1990 से 1997 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे और उनके बाद उनकी पत्नी राबड़ी देवी 1997 से 2005 तक बिहार की मुख्यमंत्री बनी रही। 2005 के बाद बिहार में सत्ता परिवर्तन हो गया। नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए लगातार बिहार विधानसभा चुनाव जीतता गया। फिर दौर आया 2015 का, जब नीतीश कुमार के साथ भाजपा के संबंध एक तरह से टूट चुके थे। 2013 में तो नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ संबंध स्वतः खत्म कर लिए थे, लेकिन नीतीश कुमार कमजोर हो चुके थे। उन्हें एक मजबूत साथी की तलाश थी जो राजद के रूप में पूरी भी हुई। 2015 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और कामयाब हुए। लालू प्रसाद यादव के लिए भी ये वक्त बेहद मुफीद था। उन्होंने अपने दोनों बेटों तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री बना दिया। तेजस्वी यादव तो इस सरकार में उप मुख्यमंत्री तक हो गए, पर लालू और नीतीश का ये याराना लंबे समय तक टिका नहीं रह पाया। नीतीश कुमार ने बीच में ही एक बार फिर से भाजपा से हाथ मिला लिया और इस तरह से वो एक बार फिर भाजपा के दोस्त बन गए और लालू प्रसाद यादव के दोनों पुत्र मंत्री से पूर्व मंत्री हो गए। लालू प्रसाद यादव का परिवार बिहार ही नहीं, संभवतः देश का पहला परिवार होगा जहां दो पूर्व मुख्यमंत्री और दो पूर्व मंत्री रहते हैं। वैसे लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती भी राज्यसभा की सांसद है। धन्यवाद।